सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा, तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियाँ गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागीत, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा, बोलोगे चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ, कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है, और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला,
बिल्कुल ठीक है, अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव कैसे हो? अरे मोहन, अरे अरे तुम शहर से कब आए भैया? हैं? गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो दो एक दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है, मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूँ, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है, है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे कमला, ए कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया, इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा, जाओ शीला एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा, हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के दो टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। रामू और घनश्याम दोनों पड़ोसी थे। रामू एक गरीब मजदूर था, जबकि घनश्याम की गांव में परचून की दुकान थी। घनश्याम लालची स्वभाव का था, वो सामान में मिलावट करके बेचता था। एक दिन,
घनश्याम भैया, आपने ये चने की दाल जो दी थी गलाई नहीं गली। रघु के पेट में भी कल से दर्द है। अरे मैंने तो तुझे चने की दाल ही दी थी, पर तेरे बनाने का तरीका गलत होगा या तूने अच्छे से धोई नहीं होगी। अब तेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है तो तू मुझे इल्जाम लगाने आ गई है। अब तुझे एक रुपए का भी उधार नहीं दूंगा। कोई बात नहीं घनश्याम लाला, मैं किसी और दुकान से ले लूंगी, कम से कम मिलावट तो नहीं होगी। रामू की पत्नी माला घर आ जाती है। घनश्याम से तो वो लड़ाई कराई थी, अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी दूसरी दुकान से राशन खरीद सके। तभी रामू आ जाता है। क्या हुआ जी, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे माला, पूरा दिन गांव में घूमा पर एक भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, कल दोबारा कोशिश करना, शायद मिल जाए। ये मैंने धनिये की चटनी और रोटी बनाई है, खा लो। रघु आजा बेटे, खाना खा ले। माँ ये चटनी रोटी अच्छी नहीं लगती, कुछ और खाना है। ठीक है अभी ये खा लो, कल कुछ अच्छा खिला दूँ। अगले दिन रामू फिर से काम की खोज में निकलता है। क्या करूँ, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। आज दूसरा दिन हो गया, थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, धूप भी बहुत तेज है। ओ भैया इधर आओ, जरा मेरा एक काम करो। ओ भैया इधर आओ, जरा मेरा एक काम करोगे? पूरे 100 रुपए दूंगा। हाँ हाँ जरूर करूंगा, क्या काम है? ये दुकान मैंने कबाड़ी वाले से खरीदी है जो पुरानी चीजें बेचता है। मोटा मोटा सामान तो मैंने उठवा लिया था, ये छोटा मोटा कुछ कबाड़ बचा है, ये उठवाना है। तुम इस कबाड़ को बेचो या रखो, वो तुम्हारी मर्जी होगी। ठीक है मैं ये सारा सामान उठा लेता हूँ। रामू धीरे धीरे सारा सामान उठाकर एक रिक्शा में रख लेता है। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक आटा चक्की पर जाती है। भाई जी सामान तो मैंने सारा उठवा लिया, बस ये एक आटे की चक्की रह गई है। अरे भाई ये भी उठा ही ले, पता नहीं किसकी है, मैं इसे कहाँ कहाँ रखता फिरूंगा। तू ले जा इसे, और ये ले तेरे 100 रुपए भी रख ले। रामू सारा कबाड़ बाजार में बेच देता है, पर आटे की चक्की पुरानी थी इसलिए कोई भी उसे नहीं खरीदता। रामू चक्की को घर ले आता है। अरे ये आटे की चक्की कहाँ से उठा लाए? अरे वो एक व्यक्ति को दुकान का कबाड़ उठवाना था, 100 रुपए भी दिए और बाकी 50 रुपए का कबाड़ भी बिक गया, पर ये चक्की कोई खरीद ही नहीं रहा था इसलिए घर ही ले आया। पुरानी है, काफी समय से शायद इस्तेमाल नहीं हुई, थोड़ा बहुत गेहूं पिस जाए तो देख लेना। रामू चक्की को एक कोने में रख देता है। उस दिन माला दाल चावल बनाती है, ये देखकर रघु खुश हो जाता है। माँ आज तो दाल चावल है, मजा आ गया। रघु को खुश देखकर माला और रामू भी खुश हो जाते हैं। वो दिन तो काम मिलने से कट जाता है, पर फिर वही परेशानी। रामू मजदूरी के लिए जाता पर खाली हाथ लौट आता। एक दिन अरे आटा तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? क्या हुआ माला, क्यों परेशान हो रही हो? आटा खत्म हो गया है, रघु अभी थोड़ी देर में रोटी मांगेगा तो क्या दूंगी? क्या करूं माला, मजदूरी के लिए जाता हूं, कोई काम ही नहीं मिलता। वो उस दिन जो थोड़ी सी गेहूं, अरे वो जो गीली हो गई थी बारिश में, वो कहाँ रखी थी सुखा कर? वो तो मैंने डिब्बे में रख दी थी, मुट्ठी भर गेहूं ही तो है, उसका क्या करोगे? तू ले आ फिर बताता हूँ। माला डिब्बे में रखे गेहूं लेकर आती है। एक बार इस चक्की में गेहूं डालकर देखता हूँ, थोड़ी बहुत गेहूं पिस गई तो आटा बन जाए शायद। रामू चक्की को साफ करके जैसे ही उसमें गेहूं डालता है, चक्की में से धुआं निकलने लगता है और एक अप्सरा बाहर आती है। रामू और उसका परिवार अप्सरा को देखकर घबरा जाता है। अप्सरा कहती है, मांगो कुछ भी खाने का, अप्सरा है देती, ये जादुई आटा चक्की सबका पेट है भरती। तुम कौन हो और इस चक्की में से कैसे बाहर आई हो? हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। डरो नहीं मुझसे, तुमने मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, आटा दाल चावल चीनी बेसन मक्का, जो चाहो मेरी जादुई चक्की मिनटों में हाजिर कर देगी। तो हमें एक बोरी आटा और एक बोरी दाल दे दो अप्सरा। चल मेरी चक्की दिखा कमाल, हाजिर कर दे आटा दाल। देखते ही देखते चक्की में से आटा और दाल का ढेर लग जाता है। अरे माला ये तो चमत्कार हो गया, शुक्रिया अप्सरा जी। रामू तुम दिल के बहुत नेक हो,
इसलिए तुम्हें ये जादुई आटा चक्की प्राप्त हुई। पर याद रखना, ये चक्की दिन में एक ही बार अपना जादू करती है। इसमें निकले अनाज का गलत उपयोग होने से इस चक्की का जादू खत्म हो जाएगा। ये कहकर अप्सरा चक्की में समा जाती है। रामू और माला जादुई चक्की पाकर बहुत खुश थे। अब वो रोजाना दिन में एक बार चक्की में गेहूँ डालते और अप्सरा से जो भी मांगते वो देते। अब तो रामू के घर में अनाज की बोरियों का ढेर लग गया। माला उसे बोली, सुनो जी, क्यों ना हम ये अनाज की बोरियाँ शहर बेच दें? कह तो तुम ठीक रही हो, मैं आज ही ये अनाज शहर बेच आता हूँ। रामू को अनाज की बोरियाँ ले जाता देख घनश्याम की नजर पड़ जाती है। वो रामू को आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि वो बोरियों में क्या ले जा रहा है। रामू सीधे स्वभाव का था, सब कुछ घनश्याम के सामने उगल देता है। घनश्याम चालाक था, सारी बात की भनक ले लेता है। एक दिन जब रात में रामू और माला गहरी नींद में सो रहे होते हैं, घनश्याम चक्की को चुरा लेता है। घर लाकर वो चक्की में गेहूं डालता है। अप्सरा बाहर आ जाती है और वही कविता दोहराती है, मांगो कुछ भी खाने का अप्सरा है देती, ये जादुई आटा चक्की सबका पेट है भरती। अच्छा अच्छा, फिर तो ढेर सारी बोरियां आटा चावल दाल चीनी सब कुछ भर दो है, मेरी पूरी दुकान में अनाज की बोरियां ही बोरियां भर जाएं। हाँ चल मेरी चक्की दिखा कमाल, हाजिर कर दे आटा दाल। तू जो भी है चल अब जा वापस चक्की में, तेरा काम खत्म, चल जा। अप्सरा बिना कुछ बोले वापस चक्की में समा जाती है। घनश्याम एक बार चक्की का इस्तेमाल कर चुका था, उसे पता नहीं था कि चक्की दिन में एक ही बार जादू करती है। वो दोबारा चक्की में गेहूं डालता है पर अप्सरा बाहर नहीं आती। वो चक्की को तेज तेज घुमाने लगता है और गुस्से में आ जाता है। अरे ये जादू क्यों नहीं हो रहा है, अप्सरा बाहर क्यों नहीं आ रही? लगता है ये चक्की खराब हो गई है, जमीन पर पटक कर देखता हूँ, अप्सरा को जब चोट लगेगी तो डर कर बाहर आ जाएगी। घनश्याम चक्की को तेजी से जमीन पर पटकने लगता है जिससे चक्की के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में चक्की के टुकड़े रामू के पास लेकर जाता है। ओ रामू, तूने मुझे पागल समझा है, हैं? ये कोई जादुई चक्की नहीं है, अप्सरा मेरी पिटाई से डरकर भाग गई, और ये देख चक्की के भी दो टुकड़े हो गए। चक्की की चोरी तुमने की थी, ये जादुई चक्की थी जो एक दिन में केवल एक ही बार अपना जादू दिखाती थी। तुमने लालच में आकर चक्की को ही तोड़ दिया। तुम एक बार मेरे से आकर कहते, मैं खुद ही तुम्हें ये चक्की कुछ दिनों के लिए दे देता, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर। अरे मेरा कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, हैं? क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे गोदाम तो मैंने अप्सरा से कहकर पहले ही भर लिए थे। मुझे अब साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? आराम से कमाकर खाऊंगा मैं रामू। हाँ चक्की के टूटने से रामू निराश तो था, पर अब वो अनाज को बेचकर कमाए धन से एक दुकान लेकर व्यापार करना चाहता था और मेहनत करके परिवार को पालना चाहता था। उधर जब घनश्याम गोदाम और दुकान का दरवाजा खोलता है, सारी अनाज की बोरियां गायब होती हैं। घनश्याम का पूरा गोदाम खाली होता है और दुकान से भी सारा सामान गायब होता है। घनश्याम अपना सिर पीट लेता है। जो बोरियां उसे अप्सरा ने जादुई आटा चक्की से दी थी, चक्की के टूटने से वो सब गायब हो गई और सारा जादू खत्म हो गया। घनश्याम को बेईमानी का सबक मिल गया था। उधर रामू ने एक दुकान खरीदकर अनाज के बेचे रुपयों से नया व्यापार शुरू किया। रामू की नीयत अच्छी थी, इसलिए उसे मीठा फल प्राप्त हुआ, जबकि घनश्याम की नीयत में खोट था, उसे कड़वे फल का स्वाद चखना पड़ा। राधिका एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की थी। कॉलेज में उसका पहला दिन था। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। राधिका जब पहले दिन कॉलेज पहुंचती है, लगता है तुम कॉलेज में नई आई हो, इस कैंटीन में ये टेबल बुक है, यहाँ पर ऐश्वर्या की जगह है, वही अक्सर इस टेबल पर बैठती है, यहाँ से उठो और सामने वाली टेबल पर जाकर बैठो। ये ऐश्वर्या कौन है? तुम ऐश्वर्या को नहीं जानती, हमारे कॉलेज की शान है वो, ये लो आ गई हमारी ऐश्वर्या। तुषार मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। क्या बात है, तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही हैं ऐश्वर्या? क्या बात है, आज राहुल कॉलेज नहीं आया क्या? पूरा कॉलेज तुम पर मरता है,
और तुम हो कि राहुल पर मरती हो। क्या करूं, राहुल देखने में है इतना हैंडसम। हाय, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं अपनी पसंद की कोल्ड कॉफी लेकर आता हूँ। भैया मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आपके पास चेंज होंगे तो आप चाय के पैसे ले लो। कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। ये लीजिए 100 रुपए की चेंज मेरे पास है, एक कोल्ड कॉफी देना। थैंक यू, मैं कॉलेज के बाद आपको चेंज लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप देना ही चाहती हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम कॉफी पी लूंगा आपकी तरफ से। राहुल, अरे यार कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, ऐश्वर्या टेबल पर कब से बुला रही है। पता नहीं ये ऐश्वर्या भी ना रोज नया कोई ड्रामा शुरू कर देती। चल देखता हूँ अब ये क्या प्लान करने वाली है। वैसे मैंने आपको पहली बार कॉलेज में देखा है, व्हाट्स योर गुड नेम। जी मेरा नाम राधिका है, आज कॉलेज में ये मेरा पहला दिन है। ओके बाय राधिका, फिर मिलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट मंथ हम कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा जा रहे हैं, तो मैं इस बार अपने बर्थडे की पार्टी गोवा के क्रूज पर देने वाली हूँ। ये लड़की भी ना, ओह सॉरी राधिका मैंने देखा नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी चाय जमीन पर गिर गई, रुकिए मैं दूसरी ले आता हूँ। इट्स ओके, वैसे भी मेरा लेक्चर है अभी। कुछ दिन बीत जाते हैं, राहुल और राधिका अच्छे दोस्त बन गए थे। राहुल और राधिका को साथ में हंसते और बातें करते देख ऐश्वर्या को ईर्ष्या होने लगती है। क्या बात है राहुल, आजकल तुम राधिका के साथ बहुत समय बिता रहे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। ऐसी कोई बात नहीं है ऐश्वर्या, राधिका के लिए ये कॉलेज नया है तो मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी वो भी हमारे साथ गोवा ट्रिप पर चल रही है, मैं उसी बारे में उससे बात कर रहा था। ऐश्वर्या राहुल और राधिका का साथ में मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, वो जब भी उन्हें साथ में देखती तो जल भुन जाती थी। सभी कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा पहुंचते हैं। वाओ ऐश्वर्या, तुम्हारे पापा ने ये क्रूज कितना सुंदर सजवाया है। मेरे पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, उन्होंने कॉलेज में पहले ही बोल दिया था कि जब हम लोग गोवा ट्रिप पर जाएंगे तो मेरी बेटी अपना आलीशान जन्मदिन क्रूज पर ही मनाएगी, इसीलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही करवा दिए थे। आज मेरा जन्मदिन है, मैं गोवा ट्रिप पर आए कॉलेज के सभी बच्चों को पार्टी दे रही हूँ। मुझे यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं पर राहुल कहाँ है मुझे ये नहीं पता, उसने अभी तक मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया है। राहुल को तो मैंने अभी राधिका के साथ उस तरफ जाते हुए देखा है। जब देखो तब राधिका राधिका, इस लड़की की वजह से आज राहुल के पास मेरा जन्मदिन मनाने तक का वक्त नहीं है, पर आखिर ये दोनों है कहाँ। आई लव यू राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। आई लव यू टू राहुल। राहुल और राधिका की बातें ऐश्वर्या सुन लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। राहुल सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगी, मुझे इस राधिका की बच्ची का कुछ इंतजाम करना ही होगा, और वो भी आज रात की पार्टी में। रात के वक्त जब सब पार्टी में मगन थे, यही मौका इस राधिका का काम तमाम करने का। राधिका जल्दी आओ, वो देखो कितनी सुंदर शार्क मछली। कहाँ पर है ऐश्वर्या, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। थोड़ा नीचे झुको तब तुम्हें नजर आ जाएगी, ये एकदम से गायब हो जाती है, वो देखो वही फिर दोबारा नजर आई। राधिका जहाज से थोड़ा नीचे झुकती है, कभी ऐश्वर्या उसे समुद्र में धक्का दे देती है। पार्टी में म्यूजिक और डांस के शोर के बीच राधिका की आवाज दब जाती है और वो समुद्र में डूब जाती है। लो जी मेरा काम तो हो गया, बड़ी आई मेरे राहुल को मुझसे छीनने वाली। अगले दिन पूरे क्रूज पर शोर मच जाता है कि राधिका कहीं नहीं मिल रही है। सब लोग यही सोचते हैं कि शायद किसी बड़ी मछली का वो शिकार बन गई, क्योंकि उसका कहीं भी अता पता नहीं था और क्रूज पर से वो ऐसे गायब नहीं हो सकती थी। सब लोग वापस आ जाते हैं। राधिका तुम कहाँ चली गई, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमें गोवा से आए कितना समय बीत चुका है राहुल, चलो कॉलेज चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आखिर राधिका ऐसे कैसे गायब हो गई, मैंने उसे क्यों नहीं बचाया, मैं हमेशा अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेवार मानूंगा, मैंने ही उसे अपने साथ गोवा चलने के लिए जिद की थी, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी। राहुल तुम समझते क्यों नहीं हो, राधिका मर चुकी है, पिछले 6 महीनों से उसका कहीं भी अता पता नहीं है, सारे गोताखोर हर तरफ ढूंढ चुके हैं पर उसकी लाश तक नहीं मिली, अब तक उसे समुद्री मछलियों ने अपना शिकार बना लिया होगा। नहीं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी राधिका मर सकती है, राधिका जिंदा है, मेरा दिल कहता है
वो एक दिन जरूर वापस आएगी। उधर समुद्र में डूबते हुए राधिका का सिर एक पत्थर से टकरा गया था। उसे अब होश आता है। मैं कहाँ हूँ और ये जगह इतनी अजीब सी क्यों है? घबराओ नहीं बेटी, तुम जलपरियों के देश में हो। मैं जादुई जलपरी हूँ। मेरी दो साथियों को तुम बेहोशी की अवस्था में दिखाई पड़ी थी तो वो तुम्हें यहाँ ले आई। फिर हमारे जलपरियों के देश के वैद्यराज ने तुम्हारा इलाज किया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो बेटी? आज पूरे 6 महीने बाद तुम्हें होश आया है। क्या? मुझे यहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं। ऐश्वर्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटी, ये इंसानों की दुनिया ही ऐसी है। यहाँ मतलब के लिए लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते। तुम तो फिर एक गैर लड़की थी। आओ इस जादुई पानी में देखो उस लड़की की सच्चाई। पलक, उस दो कौड़ी की लड़की राधिका का तो मैंने काम तमाम कर दिया है। बेचारी सीधी साधी बनी फिरती थी, मेरे राहुल को मुझसे छीनने चली थी। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। आज शाम को मेरी और राहुल की सगाई है, उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जलपरी, क्या आप मुझे एक बार मेरे राहुल का चेहरा दिखा सकती हो? हाँ राधिका, ये देखो। राधिका, तुम कहाँ चली गई? मैं ऐश्वर्या ये सगाई कैसे कर सकता? तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तुम क्यों चली गई? लौट आओ राधिका, अपने राहुल के लिए। जादुई जलपरी, मेरी मदद करो, मुझे अपने राहुल के पास जल्दी पहुंचना है। कृपया करके कोई रास्ता बता दो जादुई जलपरी। राधिका, मैं तुम्हें जादुई जल से बनाई कालीन देती हूँ। तुम इस कालीन पर बैठ जाओ, ये तुम्हें जल्दी ही राहुल के पास पहुंचा देगा। और ये जादुई जल भी लेती जाओ ताकि तुम ऐश्वर्या की सच्चाई सब लोगों को दिखा दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जलपरी, आप सच में बहुत ही अच्छी हो। आपने मेरी जान बचाई, मेरी इतनी सहायता की, उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसान मंद रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राधिका। अब जल्द से जल्द अपने राहुल के पास पहुंचकर सगाई को रोक दो। राधिका जलपरी से विदा लेती है और जादुई जल से बनी कालीन पर बैठ जाती है। वह कालीन हवा में उड़ने लगता है और उधर राहुल और ऐश्वर्या की सगाई की तैयारियां चल रही थी। राहुल और ऐश्वर्या एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाने ही वाले होते हैं, तभी राधिका जल्दी से वहां पहुंच जाती है। राहुल रुक जाओ, ऐश्वर्या से ये सगाई मत करो। राधिका तुम जिंदा हो, मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे साथ तुम्हारा प्यार जो था, फिर मुझे भला कैसे कुछ हो सकता था? वरना इस ऐश्वर्या ने तो मुझे कब का मार दिया था समुद्र में धक्का देकर। राहुल ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसे कोई धक्का नहीं दिया था, ये तुम्हारी और मेरी सगाई को रोकना चाहती है। चलो राहुल, हमें देर हो रही है। राहुल मेरे पास सबूत है जो तुम्हें और सबको बताएगा कि किस तरह से इसने मुझे समुद्र में धक्का दिया था। ये देखो। राधिका हवा में जादुई पानी उछालती है और एक दृश्य बन जाता है जिसमें सब कुछ सामने आ जाता है। ऐश्वर्या घबरा कर रोने लगती है। ऐश्वर्या, तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुमने मेरे प्यार, मेरी राधिका को मारने की कोशिश की। मेरी नजरों से दूर हो जाओ राधिका, मैं ऐसी मंडप में तुमसे सगाई करूंगा सबके बीच। ऐश्वर्या, मैं चाहती तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर मैं ये नहीं करूंगी। किसी के सच्चे प्यार को दूर करने का क्या नतीजा होता है, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही सच्चा प्यार तुम राहुल से करती तो तुम मुझे मारने की कोशिश ना करती, बल्कि उसको अपने दिल से जीतने की कोशिश करती। और फिर उसी मंडप में राहुल और राधिका आपस में सगाई करते हैं। जादुई जलपरी की मदद से आज दोनों